بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ماہ ذی الحجہ کی 17 تاریخ ہے سن 1441 ہجری ہے ماہ اگست کی 8 تاریخ ہے سن 2020 ہے किसी शायर ने अजीब बात कही अदल व इंसाफ सिर्फ हश्र पर मौकूफ नहीं अदल व इंसाफ सिर्फ हश्र पर मौकूफ नहीं ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। आज के दौर में बहुत से मोमिन धोखा खाए हुए हैं कि इंसान जो भी गुनाह करता है आखिरत में उसकी सज़ा मिलेगी और अल्लाह ताला तो रहमान है मरने से पहले तौबा कर लेंगे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और दुनिया में गुनाहों में मुलव्वस रहते हैं ये धोखा खाए हुए हैं। आज पूरी दुनिया में देखिए नौजवान बच्चे और बच्चियां औरत और मर्द छोटे और बड़े क्या आवाम और क्या खवास ऐसी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और समझ ये रहे हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये तो जुज़ वक्ती है आर्जी है और ये कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं और जो कुछ होगा हशर में होगा दुनिया में तो कुछ नहीं होता। हालांकि ये कितना बड़ा धोखा है। या कई मर्तबा अपने सामने कुफार और मुशरिकीन को देखते हैं अल्लाह के नाफरमानों को देखते हैं अल्लाह का खाकर अल्लाह का पीकर अल्लाह की धरती पर चलते हुए और अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए दूसरे लोगों को देखते हैं तो समझते हैं कि देखो ये कुफार और मुशरिकीन हैं अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं नाफरमानी करते हैं और कितने खुशहाल हैं तो उनको नेमतों में देखकर धोखा खा जाते हैं। और कई मर्तबा अहले ईमान अपने ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई फिज़िकल सामने कोई मुसीबत नहीं आती तो उसको देखकर इस हालत के अंदर रहते हुए धोखा खा जाते हैं और समझते ये हैं कि मासीयत की सज़ा जो भी होगी वो आखिरत में मिलेगी। हालांकि ये बहुत बड़ा धोखा है। मासीयत की सज़ा खुद दुनिया में भी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अगर दुनिया में अल्लाह ताला अता न फरमाते और ये निज़ाम ना होता और कुछ न कुछ उस मासीयत का असर दुनिया के अंदर ज़िंदगी पे मुरतब ना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौम आद व समूद की तज़किर न फरमाते। कौम आद व समूद को दुनिया ही में तो तबाह बर्बाद किया आखिरत में तो जो कुछ होगा दायमी अज़ाब वो है ही लेकिन दुनिया वालों को अल्लाह पाक ने उनको दुनिया वालों के लिए उनको निशान इबरत बना दिया। फिरौन को दुनिया में तो अज़ाब दिया गया शद्दाद और नमरूद और हमान को दुनिया में तो अज़ाब दिया गया बड़े बड़े जालिम और जाबिर और हुक्मरानों को दुनिया ही में तो अज़ाब दिया गया ताकि इंसान उनको देख कर समझें और इस और उससे इबरत पकड़ें कि अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म अदूली करेंगे जिस तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है अगर हम उसके ख़िलाफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर वैसा हशर करेंगे जिस तरह से अल्लाह पाक ने फिरौन का हशर किया जिस तरह से अल्लाह पाक ने कौम आद व समूद का हशर किया जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और दूसरी कौमों का हशर किया। लेकिन असल में हम लोगों का जहन न जाने इस तरफ क्यों नहीं जा रहा और हम कितने गाफिल हो चुके हैं। रात और दिन इंटरनेट के तमाशों में लगे हुए हैं इंटरनेट के बदमाशियों के अंदर साथ दे रहे हैं और इंटरनेट की तबाहकारियों में हम अपने आप को मुलव्वस किए हुए हैं और ज़र्रा बराबर इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर हैं कि जिस धरती के ऊपर रहते हुए हम अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं उन नेमतों को छीन भी सकते हैं। अल्लाह ताला अगर चाहे तो लक्मों की लज्जत को छीन सकते हैं निवालों की लज्जत को छीन सकते हैं अल्लाह ताला चाहे तो बेबस कर सकते हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं क्या अभी भी हमें
कुछ मजीद समझने के लिए कुछ बाकी रह गया है। इसके मतलब ये, अगर हम इन हालात में भी नहीं समझ रहे, इन हालात में भी अपने आप को नहीं सुधार रहे, इन हालात में भी हम ज़ात हक़ की तरफ मुतवज्जे नहीं हो पा रहे, तो हमारी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कितनी बड़ी बदनसीबी है और कितनी बड़ी जहालत है। और लगता यह है कि हमने अपने लिए अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत दे दी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अगर हम गुनाह कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अगर मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म अदली कर रहे हैं, तो हम ये ना समझें कि अल्लाह ताला कुछ कहने वाले नहीं हैं। बाबर व ऐश कोश की दुनिया दोबारा नेस्त, मियाँ दुनिया में मज़े कर लो जितने करने हों, इसलिए कि दुनिया में फिर आना नहीं है। रही बात आखिर की, तो आखिरत की, तो उधार है, देखा जाएगा। नहीं नहीं, दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारे बंदों को सजाएं देते हैं, जैसा कि इंशाअल्लाह आज इस मजलिस में इसका कुछ तज़किरा होगा। वैसे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, इशा की बात का वक्त है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का मिजाज जल्दी सोने और जल्दी उठने का बनाया है। अब हम देर देर तक जागेंगे, चाहे वो दीन की नस्बत पर ही सही, और इस जागने पर फिर हमारी फजर की नमाज गायब हो जाए और नमाज में सुस्ती आ जाए, तो फिर दीनी बात के करने और सुनने का क्या फ़ायदा। इसलिए सुने और दिल के कानों से सुने। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो थोड़ी सी ढील दी हुई है, कई मरतबा इसमें अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी मसलिहतें होती हैं इस ढील के देने में। इसको मिसाल से आप यूं समझें, घर के अंदर बाप, घर के अंदर बच्चों के बाप, बच्चों के वालिद बैठे हुए हैं, घर के अंदर मेहमान हैं, वो मेहमानों के इकराम में लगे हुए हैं, उनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं और बच्चे घर में शोर करते हैं, तो बाप एक मरतबा कहता है, बेटा शोर न करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, शोर न करो, जाओ बाहर जाकर खेलो। लेकिन बच्चों ने देखा कि आज तो अब्बू मसरूफ़ हैं, हमेशा तो डांटते रहते हैं, आज तो मसरूफ़ हैं, आज ही तो मौका मिला है धमाल करने का, आज ही तो मौका मिला है शोर हंगामा करने का, लिहाजा वो बाप की अनसुनी कर देते हैं, वो ये नाफरमानी पर उतर आते हैं और खूब शोर और चीखो पुकार करते हैं। अब बाप अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, अंदर ही अंदर बॉयल होता रहता है, गर्म होता रहता है, और वो सोचता है, ठहरो बस मेहमानों को जाने दो इतनी देर, उसके बाद फिर मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम सबको उधेड़ कर रख दूंगा। वो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है। तो बाप अगर मेहमानों के साथ बैठा हुआ है और बच्चे शोर और हंगामा कर रहे हैं, और एक मरतबा शराफत के साथ समझाने पर, नासिहाना अंदाज में नसीहत करने पर हम उनकी बात को नहीं समझे, बच्चे उसकी बात को नहीं समझे, और उसके बाद वो खामोशी के साथ अपने मेहमानों के साथ बैठा हुआ है और बात मसरूफ़ है, तो हम हरगिज़ धोखा न खाएं, बच्चे हरगिज़ धोखा न खाएं, वो ये ना समझें कि बाप इस वक्त जो है वो गाफिल हो चुका है, और वो ये ना समझें कि अब्बा इस वक्त हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे और आइंदा भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसका मतलब ये कि उसने थोड़ी सी तुम्हें ढील दी है, बस इतनी कि मेहमान जाएं, उसके बाद वो तुम्हें देखता है कि तुम कौन हो। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दुश्मनों को कई मरतबा मौका देते हैं, उनको दुनिया में नाम निहाद इज्जत भी देते हैं, उनको अल्लाह ताला दुनिया में बहुत कुछ मौके देते हैं, उनको बहुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौके फराहम करते हैं, लेकिन वो इससे धोखा न खाएं कि हम बड़े, हमारी ताकत बड़ी, हमारे अहकाम बड़े। नहीं, बड़ा तो रब ही है, बड़ा तो अल्लाह ही है, शान तो उसी की बड़ी है, ज़ात तो उसी की बड़ी है, कुदरत तो उसकी बड़ी है, हम कुछ भी नहीं। वमा यालम जुनूद रब्बिका इल्ला हु, कोई अल्लाह के लश्करों को दुनिया में नहीं जानता। ये जिस बीमारी से हम गुजर रहे हैं, ये भी तो अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। दुनिया वाले अपने लश्करों को निकालें और मुकाबला करके दिखाएं। ये जो दुनिया के लोग बार बार इस पर आवाज़ें कस रहे हैं और बार बार इस पर चीखों पुकार कर रहे हैं, बार बार इस पर मीटिंगें बुला रहे हैं और बार बार इसको अपना स्लोगन और अपना नारा बना चुके हैं कि हम इस बीमारी से लड़ेंगे और हम जीतेंगे। कौन हैं हम जो इस बीमारी से लड़ सकें और बीमारी से जीत सकें? खुदा की कसम, हम उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक कि इस बीमारी के खालिक अपने रब को न मना लें। वही रब इसको दूर करेगा तो ये दूर होगी, वरना दुनिया वालों के अंदर किसी में कुदरत और ताकत नहीं है कि वह इसको अपनी सलाहियतों के जरिए से दूर कर सके। हाँ, अगर कोई सलाहियत इस्तेमाल कर रहा है, वो सलाहियत भी अल्लाह ही की दी हुई होगी, उसी
उसी सलाहियत को इस्तेमाल करके बंदा इससे अपना दिफा कर सकता है। लेकिन हमारी अकलों पर इस वक्त पत्थर पड़ चुके हैं, हमारी अकलों के चराग बुझ चुके हैं, हम सिर्फ दुनिया के असबाब पर नज़र दौड़ाए हुए हैं, दुनिया के असबाब को अपना सब कुछ समझे हुए हैं और ज़ाते हक से बिल्कुल गाफिल हो चुके हैं। हम ये समझ रहे हैं हमारी अकल, हमारी सलाहियत, हमारी ताकत, हमारे और हमारी जितनी भी कुव्वतें हैं वो सब कुछ कर सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारी कुव्वतें कुछ भी नहीं हैं, ये सब अल्लाह का दिया हुआ अतिया हैं। और ये कुव्वतें भी उस वक्त मुअसर हो सकती हैं जबकि अल्लाह ताला इनके अंदर तासीर पैदा करे। दवाई चाहे जितनी लाख इस्तेमाल करो, दवाई उस वक्त तक तासीर नहीं कर सकती, दवाई के अंदर उस वक्त तक तासीर पैदा नहीं हो सकती, दवाई उस वक्त तक असरअंदाज नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह दवाई के अंदर असर पैदा न फरमाए। पता नहीं हम कितने गाफिल हो चुके हैं और अल्लाह से और अपने रब से और अपने मालिक से हम कितने दूर हो चुके हैं। चाहिए तो ये था इन हालात के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की तरफ मुतवज्जे होते, अपने रब को तन्हाइयों में पुकारते, जलवत में पुकारते, खलत में पुकारते और गिड़गिड़ा कर उसकी खुशामद करते और कहते, प्यारे रब हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं हैं, हम हार गए मेरे प्यारे रब, हम हार गए। या अल्लाह, हमने अपनी सलाहियतों को बहुत कुछ मान लिया था, हमने अपनी सलाहियतों को खुदा मान लिया था, हम अपनी सलाहियतों पर नाज करने लगे थे, मेरे प्यारे अल्लाह आपने हमारे किब्र को तोड़ दिया, हमारे नाज को तोड़ दिया। हे मेरे प्यारे रब, हम कुछ भी नहीं, सब कुछ तो आप ही हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आप बड़े, आपके नाम बड़ा, आपकी शान बड़ी, आपकी ज़ात बड़ी, आपका लश्कर बड़ा, आपकी कुदरत बड़ी। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अफसोस की बात है, बजाय इसके कि हम ज़ात हक की तरफ मुतवज्जे हों, न हम बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद बीमारियों की हालत में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं, और न अहले ईमान बावजूद इसके कि अहले ईमान के दीन पर और निस्बत दीन पर आ बनी है, और दीन के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह की इबादतों के दुश्मन मुशरिक हर तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, न हम जर्रा बराबर उसका असर अपने दिल पर ले रहे हैं, बल्कि हर वक्त व्हाट्सएप खेल रहे हैं, हर वक्त गेम खेल रहे हैं, हर वक्त फेसबुक पर हम लगे हुए हैं जी, न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हर वक्त हम गुनाहों में मुलव्वस हैं। ज़रा तो हमें तवज्जो करनी चाहिए। इतने सब बिपता आने के बावजूद और इतने सब हालात आने के बावजूद अगर हम नहीं संभल रहे, हम नहीं संभल रहे तो याद रखना आने वाले दिनों में बर्बादी से फिर हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर हम अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दें और अल्लाह के सामने अपने आप को गिरा दें और कहें, हाय मेरे प्यारे रब, मैं आपकी नेमतें इस्तेमाल करता रहा, सेहत आपकी दी हुई नेमत, खाना पीना आपकी दी हुई नेमत, जिस माहौल मुआशरे में रहता हूँ उस मुआशरे के अंदर जो आपने इज्जत दी हुई है वो आपकी नेमत, लेकिन इन नेमतों की मैंने नाशुक्री की, नाकदरी की, मेरे प्यारे रब मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं, ये तंगियां देखनी पड़ रही हैं, ये तंगियां सहनी पड़ रही हैं, ये खबरें सुननी पड़ रही हैं, ए मेरे प्यारे रब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हम इज्तिमाही तौर पर, इनफरादी तौर पर काश के हम तौबा करने वाले बन जाएं और अल्लाह को मनाने वाले बन जाएं तो दिन संवरने में और दिन बदलने में और हालात की तब्दीली में दोस्तों फिर देर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। यमन की राजधानी सनआ के अंदर वहां का एक गवर्नर था जिसका नाम था अब्रहा, ईसाई था। उसने उस इलाके के अंदर एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा एक गिरजाघर बनाया, चर्च बनाया, और मकसद उसका यह था कि ये जो काबा बना हुआ है मक्के में, लोग उसकी तरफ न जाएं और ये अरब, ये बद्दू और ये दुनिया के जितने भी लोग हैं वो यमन आए, सनआ आए और इस घर का तवाफ करें। तो मंशा और मकसद उसका ये था कि जो मरकजियत काबतुल्लाह को अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी वो ख़त्म कर दी जाए और वो जो अजीम शान उन्होंने गिरजाघर बनाया था
वो चाहता था कि लोग इसके तवाफ करें और यहाँ चढ़ावे चढ़ाएं। अल्लाह की शान, उस जमाने के अरबों को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। हालात कुछ ऐसे बने, अब्राहा ने एक मौके पर यह फैसला किया, क्यों ना मैं एक लश्कर लेकर जाऊं और उनके काबे की ईंट से ईंट बजा दूं, उसको ख़त्म कर दूं, न रहे बांस न बजे बांसरी, उसको ख़त्म कर देंगे, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे और फिर तो लाचार यहाँ आना ही पड़ेगा और फिर बस यही घर रहेगा और इसी की इबादत होगी, यही परस्तिश होगी। चुनांचे वो लश्कर जर्रार लेकर चला, उसमें हाथी भी थे। रास्ते में बहुत से लोगों ने उससे पंगा लिया, उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा, ताइफ के रास्ते ये मीना में दाखिल हुआ, मक्का मुकर्रमा की करीब मीना बस्ती हो जो वहाँ दाखिल हुआ, और मुजदलिफा और मीना के दरमियान एक वादी मुहस्सर है, वहाँ ठहरा। अल्लाह की शान, यहाँ आके उसने लश्कर ने पड़ाव डाला। मक्का वालों को किसी तरह भनक लग गई कि कोई लश्कर आया हुआ और यहाँ ठहरा हुआ है। इसने अपने फौजियों को कहा कि ये जो बैतुल्लाह के मुतवल्ली है, इस तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि हम यहाँ आए हुए हैं। एक मामला अजीब हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अल्लाह की शान के अब्दुल मुत्तलिब जो काबतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, उनके ऊंट चल रहे थे, तो इसने उनको हाईजेक करा लिया अपने फौजियों से और पता भिजवाया, खबर की कि हम यहाँ आए हुए हैं और तुम्हारे काबे को तोड़ने के लिए आए हैं, अगर तुम रास्ते में हाइल ना हो तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना काम करके चले जाएंगे, और अगर तुम बीच में हाइल होते हो तो फिर तुमने जानी। अब्दुल मुत्तलिब आए, इतने वजीह थे, किताबों में लिखा है कि अब्राहा ने जब उनके चेहरे को देखा तो ताब न ला सका और उनका अदब किया, बावजूद ये कि वो दुश्मन समझता था, लेकिन उनका अदब किया और उनको एक अलग से कारपेट बिछाई गई, उस पर बिठाया और उसने अपना मुद्दा जाहिर किया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप मेरे ऊंट दो, तो कहा मैं तो तुम्हें बड़ा अकलमंद आदमी समझता था, लेकिन ये बात और ये मुतालबा सुनकर कि मेरे ऊंट दो, मेरा सारा भ्रम टूट गया कि तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि हम तुम्हारे मुकद्दस घर को तोड़ने के लिए आए हैं और तुम ऊंट की बात कर रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब और गरीब बात कही, सुनहरे हरूफ से तारीख में लिखी हुई है, उन्होंने फरमाया अन रब्बुल इबिल, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, लिहाजा ऊँटों की बात कर रहा हूँ। वह अम्मल बैत फ़इन्नहु रब्बुन सयहमी, रही बात बैतुल्लाह की तो उसका तो एक रब है, उसका तो एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करना जानता है। अल्लाह की शान, उसने सोचा ये तो सॉफ्ट टारगेट है और इनको जेर करना तो कुछ भी मसला नहीं है, जिनको अपनी जानों की अपने माल की पड़ी है और इस घर की कुछ भी नहीं पड़ी, तो ये तो मसला बड़ा आसान है। फिर उसने फौजियों को कहा कि भाई इनके ऊँट रिलीज कर दो, चुनांचे ऊँट रिलीज कर दिए गए। वो सीधे बस्ती में आए, वो सारे के सारे ऊँट काबतुल्लाह पर वक्फ कर दिए, फिर लोगों से कहा ये लोगों बड़ा लश्कर जर्रार लेकर आया है, हम कमज़ोर लोग हैं, हम कहाँ उसका मुकाबला कर सकते हैं, जाओ पहाड़ों पर चढ़ जाओ। सब लोग पहाड़ों पर चढ़ गए और अब्दुल मुत्तलिब सरदाराने कुरैश के साथ आए और काबतुल्लाह के कड़े पकड़कर, उसकी जंजीर पकड़कर, दरवाजे में जो लटकी होती थी उसकी जंजीर पकड़कर अल्लाह ताला से अजीब और गरीब मुनाजात की और कहा ये प्यारे रब, हम कमज़ोर हैं, हम तो खुद अपने घरों की हिफाजत नहीं कर सकते भी, बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकते, प्यारे रब हम तेरे घर की कैसे हिफाजत कर सकते हैं, हम तो जा रहे हैं ऊपर तेरी रहमत का तमाशा देखेंगे। अल्लाह की शान, अल्लाह से मुनाजात करके वो चढ़ गए ऊपर और जब अपनी कमजोरी का इजहार कर दिया, फिर उन्होंने किसको पुकारा, उन्होंने पुकारा था अपने रब को। अल्लाह की शान, वो तो चले गए पहाड़ में, पहाड़ों के ऊपर। उधर मीना के अंदर हलचल मची, अब्राहा ने कहा कि नक्कारा बजाओ, मुगल बजाओ और चलो। चनाचे फौजी सारे के सारे तैयार हो गए आगे बढ़ने के लिए। अल्लाह की शान, जिस हाथी के ऊपर वो बैठा हुआ था उसका नाम था महमूदा, हाथी चलने का नाम ना ले और दूसरे हाथी भी हट करें, दाएं मोड़ते हैं बाएं मोड़ते हैं मुड़ते हैं, पीछे चलाते हैं, दौड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन आगे एक कदम बढ़ने के लिए तैयार नहीं। उसने गुस्से में कहा, चीख कर कि इनको दौड़ाओ। चुनांचे
आहनी हथियारों से उन्होंने हथियारों पर जिस तरह से घोड़े को दौड़ाने के लिए सांटा होता है, फटक होती है चमड़े की, उसको उसकी जरब लगाते हैं तो घोड़ा दौड़ता है, इसी तरह हाथी को दौड़ाने के लिए आहनी चीज होती है, उन्होंने मार मार के हाथियों को जख्मी कर दिया फिलबानों ने, लेकिन हाथी चलने का नाम नहीं ले रहे थे। अल्लाह की शान, पीछे को मोड़ते हैं तो दौड़ने के लिए तैयार, लेकिन आगे एक कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। थोड़ी सी देर के अंदर एक दूसरा माहौल सजा, जद्दा की तरफ से कबूतर से थोड़े छोटे और चिड़िया से थोड़े बड़े कुछ परिंदे जो तारीख में पहले कभी नहीं देखे गए और बाद में भी नहीं देखे गए। एक बयान में साजिश ने कहा था कि ये जो मक्का मुकर्रमा में छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, लोग उनको अबाबिल कहते हैं, और मैंने भी उस वक्त कहा था कि ये अबाबिल नहीं थी, किताबों में लिखा है वो तो उससे पहले नहीं देखे गए और बाद में भी नहीं देखे गए। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से खुशूसी गोया लश्कर आया था परिंदों की शक्ल में। अल्लाह की शान, वो परिंदे आए और उनकी एक चोंच में और दो पैरों के अंदर तीन तीन छोटी छोटी कंकरियां थी जो चने की दाल के बराबर या मसूर की दाल से कुछ बड़ी थी। अल्लाह की शान, वो कंकरियां क्या थी, गोया बंदूक की गोली थी। वो ऊपर से छोड़ रही थी, वो परिंदों के झुंड आ रहे थे और वो पत्थर बरसा रहे थे, और जैसे ये पत्थर उनके जिस्मों पर गिरते तो पार हो जाते, वो लोग चीखते रह जाते, और उसका असर ये होता न जाने वो जहन्नम की भट्टी में जली हुई, भस्म की हुई, या पिघली हुई थी, या तपी हुई थी, या जहर के अंदर बुझी हुई थी। जैसे जैसे उनके जिस्मों में वो टच होती और लगती, वो उसको जिस्म को छलनी करते हुए पार होती और जमीन में जाके धंस जाती और जिस्म को छलनी कर जाती, और इतनी चीख पुकार होती उसकी वजह से इतनी तकलीफ होती कि पूरा लश्कर जो है चीख पुकार में मुबतला हो गया। यहाँ तक कि बहुत सारे तो उसी वक्त वहीं मर गए, और बहुत सारे लोगों को अल्लाह पाक ने निशान इबरत बनाया, और वो इसी हालत में भागते दौड़ते वो यमन तक, सनहा तक पहुँचे, और वहाँ जाके निशान इबरत बने। पूरा शहर जो है उनकी चीखों पुकार से गूंज उठा, और यहाँ तक कि वो तड़प तड़प के मरे। अबरहा भी वापस गया और वहीं जाकर मरा, उसका दिल फट गया था, यहाँ तक कि गोश्त का एक सिर्फ छोटा सा लोथड़ा रह गया था, सारा गोश्त उसका गल गल कर उसके टुकड़े टुकड़े उसके रास्तों में गिर गए थे। अल्लाह की शान, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अबरहा को यमन में भी हलाक कर सकते थे, रास्ते के अंदर कई जगहों पर जहां मुकाबला हुआ वहां भी हलाक कर सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां हलाक नहीं किया। कई मरतबा अल्लाह पाक दुश्मन को मौका देते हैं, अल्लाह ताला अपने दुश्मन को मौका देते हैं और उसको इज्जतों के ताज पहनाते हैं और उसके नाम की जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं, और जब उसका कद बहुत बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वो समझता है मैं दुनिया का वन मैन शो हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई मेरा फैसला मोड़ने वाला नहीं, कोई मेरे पैर पकड़ने वाला नहीं, कोई मेरे पैरों का रुख मोड़ने वाला नहीं, मैं जो चाहे करूं, मैं वन मैन शो हूं। उस वक्त अल्लाह की ऐसी पकड़ आती है कि वो निशान इबरत बन जाता है अगले पिछलों के लिए, और दुनिया उसका तमाशा देखती है, उसकी बर्बादी का और उसकी तबाही का। लेकिन ये कब होता है, इस पर गौर करने की जरूरत है। काबतुल्लाह के कड़े किसने पकड़े थे, किसने अपना इज्ज़ अल्लाह के सामने जाहिर किया था, किसने अल्लाह को दिल से पुकारा था, वो अल्लाह के महबूब सल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। आज भी वही रब है जिसने काबतुल्लाह को गिराने वालों को, काबतुल्लाह को ढाने वालों को ऐसा चकनाचूर किया था कि सुबह कयामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका तज़किरा कुरान पाक में जो है वो कुरान पाक के अंदर उसको नक्श कर दिया, उसकी तबाही बर्बादी का तज़किरा सुबह कयामत तक दुनिया के लोग उसकी तिलावत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। यहां मौके की मुनासिबत से एक दुआ जरा सुन लें और करनी चाहिए कि प्यारे अल्लाह, काबतुल्लाह जो पत्थर और गारे से बना हुआ था, उसको गिराने के लिए एक लश्कर वाला लेकर चला था अपना लश्कर, और अपनी ताकत आजमाने के लिए चला था। प्यारे अल्लाह, आपने काबतुल्लाह को तो टच नहीं करने दिया, उसको तो नहीं गिरने दिया, अलबत्ता उसको चकनाचूर कर दिया। रब्बे करीम, इसी काबे के सामने प्यारे महबूब सल्लम ने एक से ज़्यादा दफ़ा सहाबे किराम के साथ से ये अर्ज़ ये फरमाया था
कि मोमिन का दिल इस पत्थर से ज्यादा कीमती है, मोमिन का दिल इस पत्थर से, इस काबे से ज्यादा कीमती है। मेरे प्यारे अल्लाह, जब गारा और पत्थर से बना हुआ घर आपने महफूज कर दिखाया, अल्लाह जी अब तो मोमिनों के दिलों पर आ बनी है, दिलों को तोड़ने वाले पैदा हो गए हैं, और दिलों को तोड़ने वाले अपने ईवानों में बैठकर इन दिलों को तोड़ने के फैसले कर रहे हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दिलों को तोड़ने से बचा लीजिए, टूटने से बचा लीजिए प्यारे रब। दोस्तों, बहुत जल्दी फैसले उतर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है हम अल्लाह ताला से फैसले उतरवा कहां रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारा हाल तो बिल्कुल उन यहूदियों जैसा होता जा रहा है जिन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, इधर अंत व रब्बुक फकातिला इन्ना हाहुना काइदून। ए मूसा अलैहिस्सलाम, ए मूसा जा, तू और तेरा रब वो तू जाके आगे लड़ ले दुश्मन से और हम तो यहां बैठे हैं। ठीक बिल्कुल यही हमारा हाल हो गया है। अल्लाह अपने फरिश्तों को भेजें, वो कार्रवाई कर दिखाएं, वो सब कुछ कर लें, और हम तो इंटरनेट पर खेलते रहेंगे, हम तो व्हाट्सएप पर खेलते रहेंगे, हम तो तमाशे दिखाते रहेंगे और देखते रहेंगे, हम तो गफलत में रहेंगे, हम तो खाएंगे और पियेंगे और इंजॉय करेंगे, और जो कुछ करना है वो अल्लाह कर ले। अल्लाह की मदद, अल्लाह बेनियाज है, याद रखें अल्लाह बेनियाज है। सारी दुनिया अगर काबा बन जाए, सारी दुनिया अगर मताफ बन जाए, और सारी दुनिया के इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मकाम को पहुंच जाएं, और सारे इंसान सजदे में गिरकर सुबह कयामत तक अपना सर न उठाएं, तो भी अल्लाह ताला की शान में जर्रा बराबर इजाफा नहीं होगा हमारे मुती और फर्मा बरदार होने का और हमारे सजदा करने का। अल्लाह की शान में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं करेगा। और अगर सारे के सारे इंसान फिरौन, शद्दाद, नमरूद और हामान के मकाम को पहुंच जाए, बल्कि इबलीस के मकाम को पहुंच जाए, और सारी दुनिया कुफर कदा बन जाए, बुत कदा बन जाए, और सारे इंसान आस्तीने उठाकर आसमान की तरफ हाथ करके अल्लाह को गालियां दें, खुदा की कसम जर्रा बराबर अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह वरा उल वरा, वरा उल वरा, सुन्ना वरा उल वरा। अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह की शान बड़ी है। तो हमारी इबादतों से अल्लाह की शान में इजाफा नहीं होता, हमारी नफरमानियों से अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं होती। जरूरत अल्लाह को नहीं है, जरूरत अल्लाह की हमें, हमें अल्लाह की जरूरत है। इतने सब कुछ हालात आने के बावजूद, इतने दिल पर आरे चलने के बावजूद, इतने दिल टूटने के बावजूद, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इरादे किए कि हमें अपनी जिंदगियों को बदल लेना है, हमें तहज्जुद में उठकर अपने रब को मनाना है, हमें रोजाना कुरान पाक की तिलावत में इजाफा करना है, हमें जिक्र अज़कार में इजाफा करना है, हमें गुनाहों को छोड़ देना है, बुरी आदतों खसलतों से हमें सच्ची तौबा कर लेनी है, हमें अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करना है। हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने मौजूदा यही चार पांच दिन जो माजी के गुजरे हैं, दुख भरे, दर्द भरे, कितने कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने इनमें फैसले किए। मेरे प्यारे नौजवानों, मैं दो हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करता हूं, अल्लाह के लिए आज की रात में हम अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। मेरी प्यारी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, अल्लाह के लिए मैं खुशामदाना आपसे कहता हूं, अल्लाह के लिए आज इरादा कर लें इंटरनेट के गुनाहों से अल्लाह से तौबा कर लें, व्हाट्सएप के गुनाहों से, चैटिंग के गुनाहों से अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। मेरे प्यारे रब, आप देखते रहे और हम गुनाह करते, आप इस बात पर कादिर थे हमारी उंगलियां शल हो जाती, हम अंधे हो जाते, आप इस बात पर कादिर थे, लेकिन आपने तरह दिया, आपने हमें मौका दिया सवरने का। मेरे प्यारे अल्लाह, आज हम इस मौके से फायदा उठाते हैं और सच्चे फरमा बरदार बनने की, सच्चे फरमा बरदार बनने का हलफ उठाते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे वादे को कबूल कर लीजिए। और अल्लाह, हमने इरादा तो किया है लेकिन हमारे इरादे भी कमजोर हैं, जब तक आप हमारे इरादों में कुव्वत न डालें हमारे इरादे कभी नहीं हो सकते। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे इरादों को भी मजबूत कर दीजिए, और मेरे प्यारे अल्लाह, गुनाहों से आप हमें बचा लीजिए आज के दिन में और आज के रात में हम अल्लाह से इरादा कर लें। यानी न हमारे खाने पीने में फर्क आया है, न किसी मामूल में फर्क आया है, न हमारी हंसी खुशी में कोई फर्क आया है, बस हम रूटीन की जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ होने वाला ही नहीं, और जैसे अल्लाह की कोई पकड़ आने वाली नहीं, और हम बिल्कुल गाफिल पड़े हुए हैं। याद रखें, जो कुछ हम दुनिया में गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गुनाहों की सजा
दुनिया में अल्लाह अता फरमाते हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, वो किताब चाहे जिसका नाम है जज़ाउल आमाल, उसमें हजरत ने ढेर सारी उसमें गुनाहों के नुकसान लिखे हैं। उसमें एक दो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। हजरत फरमाते हैं, एक नुकसान गुनाह का ये है कि मासीत से दिल और जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है, यानी गुनाह से दिल और जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है। दिल की कमज़ोरी तो जाहिर है कि उमूर खैर की हिम्मत घटते घटते बिल्कुल नाबूद और नापैद हो जाती है। रह गई जिस्म की कमज़ोरी, तो जिस्म तो कल्ब के ताबे है, जिस्म तो दिल के ताबे है। जब ये कमज़ोर है तो वो भी ज़ईफ़ और कमज़ोर होगा। देखो कुफ्फार फारिस व रूम कैसे कवील जुस्सा थे, मगर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुकाबले में न ठहर सके। नीज़ फरमाया, एक नुकसान गुनाह का ये है कि गुनाह करने से इरादा तौबा का कमज़ोर होता जाता है, यहाँ तक कि बिल्कुल तौबा की तौफीक नहीं होती, इसी हालत में मौत आ जाती है। ये कितने बड़े नुकसान की बात। फिर सुनिए, एक नुकसान ये भी है गुनाह का कि गुनाह करते रहने से तौबा का इरादा कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि बिल्कुल तौबा की तौफीक नहीं होती, इसी हालत में मौत आ जाती है। एक नुकसान और बयान फरमाया कि गुनाह करने से अल्लाह ताला के नज़दीक ये शख्स बेकदर और जलील ख़ार हो जाता है, और जब खालिक के नज़दीक ख़ार और जलील हो गया, मखलूक में भी उसकी इज्जत नहीं रहती। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह जलील करने पर आए फिर कौन उसको इज्जत दे सकता है। नीज अल्लाह पाक ने एक जगह और फरमाया, हज़रत थानवी हमसे फरमाते हैं, एक नुकसान ये भी है कि गुनाह करने से अकल में फतूर सा आ जाता है, क्योंकि अकल एक नूरानी चीज़ है, कदूरत और मासीत से उसमें कमी आ जाती है। बल्कि खुद गुनाह करना दलील कम अकली की है कि अगर इस शख्स की अकल ठिकाने होती तो ऐसी हालत में कहीं गुनाह हो सकता है कि ये शख्स खुदा की कुदरत में है, उसकी मिल्क में रहता है, वो देख भी रहे हैं, उनके फरिश्ते गवाह बन रहे हैं, कुरान मजीद मना कर रहा है, ईमान मना कर रहा है, मौत मना कर रही है, दोजख मना कर रही है। गुनाह करने से इस कदर सुरूर और लज्जत नसीब गुनाह करने से, और उसके बावजूद फिर ये गुनाह कर रहा है, तो जाहिर बात है ये इस बात की अलामत है कि इसकी अकल बिल्कुल फौत हो चुकी है। इसलिए ये न समझें कि गुनाह करने से अगर हमें कोई सजा नहीं मिलती, ये कुफ्फार मुशरिकीन को अपनी नाफरमानी करने से और तौहीद के अहले तौहीद के खिलाफ दुश्मनी करने से अगर उनको कोई पकड़ नहीं आ रही तो कभी पकड़ आएगी भी नहीं, दुनिया में भी इंशाअल्लाह आएगी, और आखिरत में तो हमेशा के जहन्नम उनके लिए है। अहले ईमान को चाहिए वो अल्लाह से सच्ची तौबा करें, और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए दुआ करें, प्यारे अल्लाह जो कुफ्र और शिर्क में फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं, मेरे प्यारे अल्लाह आज हम उनके लिए आपसे तौफीक मांगते हैं कि वो खाते हैं आपका दिया हुआ, पीते हैं आपका दिया हुआ, चलते हैं आपकी धरती पर, और इज्जतें जो बज़ाहिर उनको मिली हुई हैं वो सब की सब आपकी दी हुई हैं, वो सब मोहलत आपकी दी हुई है, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह आज हम उनके लिए आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दीजिए, और हिदायत नहीं किस्मत में है तो फिर प्यारे अल्लाह कौम आद समूद की तरह उनको समझ लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अज़ाइम के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अपने मामूलात ज़िंदगी को मुकम्मल तब्दील करने और ज़िंदगी में फुल यूटर्न लाने और नेकी पर मुड़ जाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में नहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी के सलीक़ा अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से बुरी बात से बुरी रात से बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुय खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये ज़ुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं, आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाजे पर, एक साहिल एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोहने रब, ए कवी रब, ए अजीम रब, ए रहमान और रहीम रब, प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब,
आप पूरी उम्मत को माफ कर दीजिए, पूरी उम्मत को माफ कर दीजिए, पूरी उम्मत को माफ कर दीजिए, आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए मेरे प्यारे अल्लाह। पैर के नाखून चले के सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, आपसे भीख मांग रहे हैं, हाथों का प्याला बनाकर आपसे भीख मांग रहे हैं। अल्लाह जी इज्जत के फैसले फरमा दीजिए, बहुत दिन हो गए जलील होते होते, मेरे प्यारे अल्लाह इज्जत के फैसले फरमा दीजिए, इज्जत के फैसले फरमा दीजिए, आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए, आप राजी हो जाइए मेरे प्यारे रब, मेरे सोने रब। हुज़ूर पाक सल्लम जिस ज़माने में फतेह मक्का के मौके पर मौजूद थे, जिस मौके पर बद्र हुनैन के मौके पर मौजूद थे, महबूब सल्लम हाथों का प्याला बनाकर हाथ उठाते थे और आप उनकी सुन लेते थे और आप फैसले फरमा देते, हे मेरे प्यारे रब, महबूब तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, महबूब तो दुनिया से पर्दा फरमा गए और हमें ये नसीहत करके गए, अल्लाह ही से मांगना, अल्लाह के गैर से न मांगना, अल्लाह ही से मांगना, किसी और की तरफ तवज्जो मत करना। हे मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते, अल्लाह हम आपसे भीख मांगते। अल्लाह जी उम्मत को इज्जत देने वाले आप हैं, उम्मत को कुव्वत देने वाले आप हैं, उम्मत को इज्जत देने वाले आप, कुव्वत देने वाले आप, रिस्क देने वाले आप, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे रब, हम आपसे भीख मांगते हैं मेरे प्यारे अल्लाह। बहुत जमाना हो गया ये अल्लाह खुशखबरी सुन खुशखबरी न सुन सके, मेरे प्यारे अल्लाह उम्मत की हिदायत के फैसले कर दीजिए, ये अल्लाह कानों को खुश कर दीजिए, दिल को खुश कर दीजिए, उम्मत की इज्जत के फैसले फरमा दीजिए। इंसानों को क्या हो गया, इंसान क्यों दुश्मनी वाले काम कर रहे हैं, ये अल्लाह इंसानों को हिदायत दे दीजिए, ये अल्लाह इंसानों को समझ दे दीजिए, और जिन इंसानों की किस्मत में हिदायत और फहम और समझ नहीं है मेरे प्यारे अल्लाह, फिर आप उनसे निमट लीजिए, फिर धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए, फिर आप उनसे निमट लीजिए, फिर धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए। ये अल्लाह इस दुनिया में, इस धरती पर अमन कायम फरमा दीजिए, सुकून कायम फरमा दीजिए, इंसान सुकून के साथ आपकी ज़मीन पर रहें, आपकी इबादत करें, आपकी मान कर चलें, आपकी फरमाबरदारी करें, आपके हुक्म अदोली से बचें। मेरे प्यारे अल्लाह ऐसी शान वाली दुनिया में ये अल्लाह इस शान का निज़ाम कायम फरमा दीजिए, इस शान का निज़ाम कायम फरमा दीजिए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे रब। ये अल्लाह जो हम उम्मत के दिल में इस वक्त है, जो दर्द, जो दुखन, जो कुढ़न इस वक्त उम्मत के दिल में है, ये मेरे प्यारे अल्लाह, न हम कह सकते हैं न सह सकते हैं, न किसी से कह सकते हैं न सह सकते हैं, अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए। ये अल्लाह बीमारों को शिफा दे दीजिए, ये अल्लाह कर्जदारों के कर्जों के अदा फरमा दीजिए, ये अल्लाह बीमारों को शिफा दे दीजिए। अल्लाह बीमारियाँ बड़ी नहीं हैं, आपकी शिफा बड़ी है, कर्जे बड़े नहीं हैं, आपके खजाने बड़े हैं, हमारी परेशानियाँ बड़ी नहीं हैं, आपकी रहमतें बड़ी हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह, रहमत का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा, ये अल्लाह इज्जतों का मामला फरमा, जिल्लत रसवाई से उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हंसते हंसते जमाना गुजर गया, ये अल्लाह आपके सामने रोने की तौफीक भी अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, नजरें उठा के चलने की लज्जत तो बहुत ली, नजरें झुका के चलने की लज्जत भी अता फरमा। ये अल्लाह, मीठी मीठी नींद सोने की लज्जत तो बहुत ली, ये अल्लाह तहज्जुद में उठकर गरम गरम आंसू बहाने की तौफीक भी अता फरमा, गरम गरम आंसू बहाने की तौफीक भी अता फरमा, तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह जी जब तक आप तौफीक नहीं देंगे कि अल्लाह हम कुछ करने वाले नहीं हैं, अल्लाह जी आप तौफीक दे दीजिए, ये अल्लाह हम मांग रहे हैं, आप तौफीक दे दीजिए। अल्लाह तौफीक देना आपका काम, मांगना हमारा काम, अल्लाह जी तौफीक दे दीजिए, ये अल्लाह अच्छी तौफीक दे दीजिए, बुरे कामों से बचने की तौफीक दे दीजिए, नेक कामों के करने की तौफीक दे दीजिए, इज्जत दे दीजिए, जिल्लत और रुसवाई से बचा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। व सल्लल्लाहु तआला आखिरी खल्क़ही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबी अजमाइन برحمتك يا أرحم الراحمين.